कौशाम्बी जिले में गर्भवती महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। मामला मंझनपुर जिला मुख्यालय के नारायण हॉस्पिटल का है। मृतका की सास कमला मिश्रा ने बताया कि कल उसकी बहू साधना मिश्रा को प्रसव पीड़ा हुई तो मंझनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां शाम को उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला को तेज ब्लीडिंग होने लगी, जिस पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए सलाह दिया, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में जिला अस्पताल के सामने मौजूद नारायण हॉस्पिटल में महिला को भर्ती करवा दिया, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और महिला के मौत के बाद भी उसे जीवित बताकर पैसा जमा कराते रहे। बता दें कि शासन के सख्ती के बाद भी जिला अस्पताल के आसपास अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही महिला के मौत के मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। पेट में बच्चा 9 महीना का दर्द हो रहा, सरकारी हॉस्पिटल ले गए। नॉर्मल बच्चा भवा मरा भवा पेट में, लेकिन नॉर्मल हो गया है तो वहाँ आधा घंटा बाद ब्लीडिंग जाए लगी जी। तो वो लोग कहें कि यहाँ कोई सुविधा नहीं ना, ले जाओ प्राइवेट। तो जिला अस्पताल के सामने यही अस्पताल हमें दिखान भैया, हम तुरंत कनिया से ले गए, अपने बहुरिया भर्ती हो गए। पानी मांगा रही, दिक्कत रही, बरसत रही, अपना पानी दे जा सो भैया लड़कियन के रोत हैं कि खाना पानी देखे सब बतावा थी। ओके बाद एक नर्स आई लेके अंदर चली गई। हम लोग बहुत हमें सबके देख ले दो, हमें एक जन के रहाई दो, हमें रहाई दो या हमारे बिटिया के रहाई दो, नहीं रहाई दें। आधा एक घंटा मरे भवा वहीं अंदर ले हैं, पैसा करवाए रहा हैं। और जब आधा घंटा बीत गया और घंटा तो के बाद कहा था ले जाओ अपना मरीज जहाँ ले जाना हो। फिर हम लोग गए कामसगिरी में, यही रोड पे आए कि चार थे डॉक्टर, देखे कुछ नहीं रहा भैया हमारे मरे के बाद। कहीं ले जाओ। हाँ मरे के बाद एक घंटा हमसे सबके देखा कि नहीं देन भैया। आपका नाम क्या है? कमला मिश्रा।